तो अब रुख करेंगे सीधा गुरुग्राम का, जहां पर महिला कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राज्यपाल भी पहुंचे हुए हैं। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्या कुछ कह रही हैं कार्यक्रम में, सुनिए। आदर्शों की प्रतिमूर्ति है आपका, आपका संपूर्ण जीवन भी एक तपस्या का स्वरूप रहा है। आपकी निस्वार्थ समाज सेवा और लगन से ही आज आप इस मुकाम तक पहुंची है। आपके जीवन से हमें शिक्षा ग्रहण करने की और इच्छा चाहिए। आज महिलाओं को शिक्षित और स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। केंद्र एवं हरियाणा सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके फलस्वरूप आज देश की बेटियां अध्यापक व चिकित्सक से लेकर सेना में बड़े पदों पर आसीन है। हाल ही में शिवांगी सिंह ने भारत की पहली महिला राफेल पायलट बनकर देश का नाम रोशन किया है। भारत और भारतीय संस्कृति बहुत पुरातन है। विश्व ने संस्कृति और सभ्यता का पाठ भारत से ही सीखा है। हमारे देश में सीता, सत्यानुसूया, मदारसा, मैत्री, गर्ग जैसे विद्वान माताओं ने जहां आध्यात्म का पाठ पढ़ाया, वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने समय आने पर युद्ध के मैदान में अपना जौहर भी दिखाया है। परंतु आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य विचारों से प्रेरित होकर नशा, दुराचार और अनेक वासनाओं के मकर जाल में फंस रही है। इसलिए इन नकारात्मक भावों को त्याग कर उन्हें सदाचार, सादगी और संतोष जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज सारे लोग जो है विश्व में पैसे के दौड़ में भाग रहे हैं, भौतिकता के दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, कितना भी पैसा कमाइए मन शांति न रहती है। जिसकी मन शांति रहती है वो सदाचारी बनेगा। इसलिए कहावत भी